Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you synonyms and antonyms. Student, इससे पहले ऑलरेडी मैं आपकी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके कुछ synonyms और आपके कुछ antonyms कराए थे मैंने, और ये आपका उस सीरीज में पार्ट नंबर सेकेंड है. तो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास को. फर्स्ट स्टूडेंट आपका वर्ड है यहाँ पे, उसकी मीनिंग दी गई है हिंदी में, उसके बाद जो भी उसके सिनोनिम्स हैं उनको यहाँ पर बताया गया है. ठीक, तो फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका एक्वर्ड. एक्वर्ड मीन्स होता है स्वीकृति देना, मतलब किसी को अगर कोई काम की अगर पूछता है तो उसको क्या करते हैं, हम उसको परमिशन दे देते हैं. ठीक है, मतलब उसके जो भी उसका प्रपोजल है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम एग्री होते हैं स्टूडेंट, उसको जो काम करना है उसको हम अलाउ कर देते हैं या उसको हम कंसर्न देते हैं, सलाह देते हैं उसी चीज़ के लिए, या उसको हम क्या करते हैं ग्रांट बोल सकते हो, या आप यहाँ पर इसको परमिशन भी आप बोल सकते हो. ठीक, अगर आपको किसी भी मीनिंग को अगर वर्ड को समझने में प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक, और मीनिंग अधिकतर क्या होता है, बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको क्या उसको ध्यान नहीं देता है कि मीनिंग तो हमको याद रहती है. ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद बोलते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है उस टाइम रिविजन का आप रिविजन करते रहोगे तो आपको याद रहेंगी. सेकेंड मीनिंग आपका स्टूडेंट एक्यूज मीन्स होता है किसी को क्रिमिनल साबित कर देना या किसी को दोषी बता देना. ठीक है, अगर कोई दोषी है तो क्या करते हैं उस पर हम ब्लेम डाल देते हैं कि भाई तूने ऐसा गलत काम किया, तूने चोरी किया या तूने मर्डर किया है. ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं धारा लगती है, यानी उसको क्या कर देते हैं चार्ज लगता है उस पर. ठीक है, उसको क्रिमिनल साबित कर दिया गया और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया, एट्रीब्यूट कर दिया यानी उसको दोषी साबित कर दिया और क्रिमिनल बना, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट आपका क्रिमिनलिट हो गया आपका. ठीक है, यानी उसको दोषी साबित कर दिया गया. तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी मीनिंग को समझने में कोई भी दिक्कत होगी, मैं जितना बेस्ट आपको सुनता हूँ उतना मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका एक्वेंट. एक्वेंट ये आपकी वर्ब फॉर्म होती है, इस मीन्स होता है टू इंट्रोड्यूस, यानी किसी की जान पहचान करना. ठीक है, जब अगर हम किसी की जान पहचान तभी तो करा सकते हैं जब कोई किसी के क्या होगा स्टूडेंट, कोई किसी के क्लोज होगा यानी डिस्क्लोज होगा, या उसको फैमिलीज आपका फैमिलीराइज यानी जो आपकी फैमिली से मिलता जुलता होगा, आपसे आना जाना होगा, आपको उससे बोलचाल होगा, आप उसको जानते होंगे. ठीक है, नॉलेजेबल कोई भी पर्सन होगा. ठीक है, तो आप उसको फैमिलियर हो सकता है, इनफॉर्मर हो सकता है आपका, या वो आपका रेबल हो सकता है. ठीक है, तो ये जो मीनिंग होती है सिनोनिम्स जो होते हैं स्टूडेंट वो आपकी सेम मीनिंग होती है हिंदी में ना, आपके पर्यायवाची होते हैं ऐसे इस वर्ड के आपके सेम मीनिंग है मिलते जुलते हुए. ठीक है, तो डिस्क्लोज है, फैमिलीराइज है, इनफॉर्म है और आपका रेबल है. नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका एडवांस. जो एडवांस जो वर्ड स्टूडेंट ये होता है आपका एडजेक्टिव, इस मीन्स होता है उन्नति करना. ठीक है, भले आपका प्रमोशन हो गया तो मान लीजिए क्या हो गया आपकी उन्नति हो गई. ठीक है, तो आप क्या एक्सट्रीम यानी सुपरवियर बन गए. और फॉरमोस्ट यूज किया जाता है कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हो मान लीजिए, ठीक है, आप जिससे पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो पढ़ने के बाद अगर आपने एग्जाम को क्या है क्वालिफाई कर दिया तो आप क्या फॉरमोस्ट हो गए यानी एडवांस हो गए. आप आगे जो भी स्टेज आएगी, चाहे आप जॉब के लिए जाओ या आगे की पढ़ाई करो, तो उसके लिए क्या फॉरमोस्ट हो गए. ठीक है, और फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आगे बढ़ना, किसी को आगे भेज देना. ठीक है, टू इंक्रीजिंग समथिंग, हम कहें असेंडिंग हो रहा है यानी वो बढ़ता जा रहा है आगे, उसकी क्या है प्रोग्रेस करता जा रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है. ठीक, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट एडवांटेज से बना है आपका वर्ड, ये आपका एडवांटेजियस यानी इस मीन्स होता है, ये होता है आपका स्टूडेंट एडजेक्टिव होता है और इस मीन्स होता है आपका लाभ यानी प्रॉफिट. इसी चीज़ से हमें प्रॉफिट जब भी होगा, जब वो चीज़ हमारे लिए कैसी होती है स्टूडेंट, बेनिफिशियल होती है, जिससे हमको क्या कुछ फ़ायदा होता है, और फ़ायदा होगा तो वो कैसी वस्तु होगी आपकी प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिटेबल. ठीक है, जिस वस्तु से हमें फ़ायदा हो रहा है भाई प्रॉफिट होगा मतलब वो प्रॉफिटेबल है, मतलब आपकी क्या है वो प्रॉफिटेबल है. ठीक है, गेनफुल मीन्स, गेन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, प्राप्त करना. जब आप मान लीजिए कोई भी आप चीज़ हो मतलब आपको फ़ायदा होगा तभी तो आपकी इनकम होगी, इनकम होगी तो आपकी क्या है वो प्राप्त करो, आप गेनफुल हो गए, कॉन्फिडेंट. ठीक है, कौन वेंडेंट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका आपका जो एडवेंचर होता है उससे बना आपका एडवेंचरस यानी ये भी आपका एडजेक्टिव होता है, इस मीन्स होता है स्टूडेंट आपका साहसिक. अगर कोई मतलब कोई भी साहस यानी कोई भी आपका अच्छा काम कर रहे हो, कोई साहस वाला काम कर रहे हो, तो वो आप कैसे हो बोल्ड हो यानी आप साहसी हो. ठीक है, डेयरिंग हो, आपके अंदर हिम्मत है, वो कहते हैं ना अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो आप में से लड़के दिखा, तो आप में क्या है वो डेयरिंग है, आप में वो जज्बा है जो आप काम कर सकते हो. डेयरिंग मीन्स, ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो, आप क्या हो रिस्क लेस. ठीक है, और आप रिस्की हो तभी तो आप रिस्क लोगे, और रिस्क लोगे तो आप तभी रिस्की हो जब आप मतलब कोई काम करने का आप में जज्बा होता है. ठीक है,
जैसे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो मान लीजिए डिफेंस की, तो डिफेंस में क्या आप चलवाए आप बॉर्डर पे जा सकते हो, तो आप क्या हो, बोल्ड हो यानी साहसी हो, ठीक है, आप योद्धा हो, एक नाइट, नाइट मीन्स क्या होता है, योद्धा हो आप, ठीक है, आप ब्रीफ पर्सन हो आप, ठीक है, तो ये सब इसके क्या है स्टूडेंट, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका स्टूडेंट एग्रीवेट, एग्रीवेट मीन्स होता है किसी, ये भी आपकी वर्ब फॉर्म होती है, इस मीन्स होता है किसी को क्रोधित करना या किसी को उत्तेजित करना, ठीक है, और एग्रीवेट जब किसी को आप गुस्सा दिलाओगे तो एग्रीवेट होगा, और जब गुस्सा होगा तो क्या है एनोई, मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा छिड़काएगा, ठीक है, तो एनोई भी इसका है। नेक्स्ट आपका इसी में इरेट, इरेट मीन्स क्या होता है किसी को उत्तेजित करते हैं, किसी को मतलब परेशान करते हैं, मतलब परेशान करने का मतलब उसकी मतलब किसी भी उसकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसकी हम उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं मान लीजिए, या मतलब चार बंदों के बीच में उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या है वो इरेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना डोंट इरेट मी, उसको परेशान मत करो, ठीक है, तो इरेट है आपका। और इंटेंसिफाई, ये भी आपका क्या है इसका सेम वर्ड है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका अलायंस, अलायंस ये आपकी नाउन फॉर्म होती है, इस मीन्स होता है संधि करना, समझौता करना, ये वर्ड आप मैरिज से रिलेटेड कर सकते हो, जब भाई किसी में शादी हो रही है तो वहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है समझौता होता है, ठीक है, इस तरह से ये जो संधि वर्ड है या समझौता है, ठीक है। कॉलेजन, ठीक है, ये भी संधि होता है। कॉम्पैक्ट तो आपने सुना होगा, कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, संधि होता है, मान लीजिए अगर दो राष्ट्र हैं या दो फैमिलीज हैं तो उनके बीच क्या है मतलब लड़ाई वगैरह हो रही तो क्या है उस लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या करते हैं वो संधि करते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं उनके बीच में, या आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो कोई भी क्या करते हैं एग्रीमेंट कराते हैं, पहले एग्रीमेंट पर ही कराएंगे समझौता कि ये हम वर्क करें, तो एग्रीमेंट भी मीन्स क्या होगा स्टूडेंट आपका समझौता बोले या हम संधि, कॉलिशन, कॉम्पैक्ट और ट्रीटी और आपका एग्रीमेंट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आपका स्टूडेंट ऑलमाइट, ऑल मीन ये आपका एडजेक्टिव होता है यानी सर्वशक्तिमान, यानी जो व्यक्ति ऑल पावरफुल है, मतलब हर चीज़ से, बुद्धि से और पैसे से, ताकत से, हर चीज़ से वो जो पावरफुल है उसको बोला जाता है ऑलमाइटी, ठीक है, और इसके सिनोनिम से ऑल पावरफुल यानी जिसके पास सभी ताकतें हैं सब प्रकार की उसके, ठीक है, वो ग्रेट है। ग्रेट कौन होता है, ग्रेट वो होता है जिसके जो अदर पर्सन से हर चीज़ में बेस्ट होता है, उस मीन्स होता है स्टूडेंट ग्रेट, ठीक। ओमनीपोटेंट, ये तो मैंने आपको वर्ड वर्ड में भी करा चुका हूँ, ठीक है, इनबेनिवल, ठीक है, ये भी आपका सेम वर्ड है, तो अब मुझे नहीं लगता किसी वर्ड को आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप भेज दीजिए मुझसे कमेंट बॉक्स में, आप इसको पूछ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका ऑल द, ऑल द मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है ये कंजक्शन होता है, कंजक्शन होता है, ऑल द मीन्स जोड़ा जाता है ना, ऑल द ही इज पुअर व्हाट ही इज ऑनेस्ट, तो इस तरीके से आपने कंजक्शन जब मैं कराऊंगा वहाँ आप इसको बताऊँगा डिटेल में, तो इस मीन्स होता है यद्यपि, ठीक है, हालांकि बोल सकते हो, इवन इफ, यद ऐसा हो, इवन तो, थो है, वाइल मीन्स, वाइल मीन्स क्या होता है जबक, तो ये इसके सेम मीनिंग्स होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका एल्ट्रिस्टिक, ये आपका एडजेक्टिव होता है, इस मीन्स होता है परोपकारी, परमार्थ, यानी जो दूसरों के लिए भलाई के लिए काम करता है उसको बोला जाता है आपका ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक। इसको ये बेनिफिशियल से बना है, कोई चीज़ बेनिफिशियल है तभी तो किसी को लाभ होगा, तो बेनिफिशियल से आपका बना दिया गया यहाँ पर आपका बेनिवेलेंट, ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन से बना दिया गया आपके यहाँ पर ह्यूमन, इसमें से अगर कोई मान लीजिए कोई मानव है तो मानव क्या है अच्छे काम करता है दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है, जैसे सलमान खान का कैंपियन है ह्यूमन बीइंग, इस तरीके से तो क्या है परोपकारी, दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं इस तरीके से, जेनरस, ठीक है, और चैरिटेबल, चैरिटी मीन्स क्या होता है दान करना, जब कोई चैरिटेबल पर्सन होगा मतलब वो दान करता होगा भाई, वो क्या है परोपकारी तो होता है ना, दूसरों के काम में मतलब पैसा दे रहा है, कोई हारी मतलब कोई बीमार है या माली किसी पढ़ाई के पास पैसा नहीं है किसी के लिए, तो वो क्या चैरिटी करते हैं लोग, उनको पैसा देते हैं कि भाई तुम ये अपना काम करो, तो वो चैरिटेबल होते हैं, वो बेनिफिशियल से मतलब बेनिफिलेंट होते हैं, वो अच्छे इंसान होते हैं, तो वो जेन्युइन पर्सन होते हैं, तो आपका जेनरस बनाया गया है। और लास्ट सिनोनिम से आपका स्टूडेंट ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है हमेशा, ये आपका एडवर्ब होता है स्टूडेंट, इट मीन्स क्या होता है एवर हमेशा के लिए, फॉर मोर मीन्स इसका मीन्स होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर तो आप जानते होंगे हमेशा हमेशा के लिए, और आपका विदाउट, ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सिनोनिम्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट आपके कुछ एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स होता है स्टूडेंट ब्लॉम, मतलब जो भी हम वर्ड लिया है उसका हमने यहाँ पर अपोजिट मीनिंग लिया है, ठीक है, ये बहुत आसान होता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इनको हम, ठीक है। अराइवल, अराइव से बना, ये वर्ब नहीं है, ये आपकी नाउन फॉर्म है, अराइव मीन्स क्या होता है आना, तो उसी से नाउन फॉर्म बन गया आपका आगमन। अपोजिट वर्ड होता है इसका स्टूडेंट डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स क्या होता है जाना, ठीक।
अप्रोच ये भी आपकी वर्ब फॉर्म होती है। अप्रोच मीन्स पहुंचना और रिट्रेट मीन्स होता है न पहुंचना, मतलब विलंबित करना, देरी से आना। ठीक, अपीयर मीन्स ये आपकी वर्ब फॉर्म है स्टूडेंट, इस मीन्स होता है आपका प्रकट होना। डिसअपीयर मीन्स होता है गायब हो जाना, या वैनिश मीन्स मतलब भाग जाना। ठीक, नेक्स्ट है एनालाइज। एनालाइज ये आपकी नाउन फॉर्म है, इस मीन्स होता है विच्छेद। ठीक है, मतलब अलग अलग करना किसी चीज़ से। तो जो एनालाइज करते हैं आपने देखा होगा, तो उनका क्या होता है, जो भी डाटा होता है उसको अलग अलग, मतलब उसको फाइंड करते हैं, उसको क्वेरी बनाते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तो उसको एनालाइज बोल सकते हैं। और आपका जो सिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उनमें क्या होता है, ये मिलावट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंगल। एंगल मीन्स क्या होता है, एंजल सॉरी मीन्स नाउन होता है, और ये इस मीन्स होता है स्टूडेंट आपका देवदूत। और इसका अगर हम अपोजिट मीनिंग लें तो वो होता है राक्षस यानी डेविल। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स होता है स्टूडेंट ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इस मीन्स होता है क्रियाशीलता, यानी कि जो चल रहा है, गतिशील है। ठीक है, इसका होता है आपका पैसिविटी। पैसिविटी मीन्स क्या होता है, रुकावट। ठीक, यानी हम या कहें निष्क्रियशीलता। और आर्मेंट ये नाउन फॉर्म है, इस मीन्स होता है शस्त्रीकरण, यानी कि जो हथियार होते हैं उनका बढ़ाना करना। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा डिस लगा करके, डिस आर्मेंट। नेक्स्ट अवेरेंस। अवेरेंस मीन्स क्या होता है, अवेरेंस मीन्स होता है स्टूडेंट टू इंक्रीजिंग नॉलेज। ठीक है, मतलब नॉलेज को इकट्ठा करना, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो आपका इस मीन्स हो जाता है आपका जानकारी। और इग्नोरेंस और इग्नोरेंस मीन्स हो जाता है स्टूडेंट के मतलब ध्यान ना देना। ठीक है, एक्वायर ये आपकी वर्ब फॉर्म है, इस मीन्स होता है आपका प्राप्त करना। ऑफर मीन्स होता है स्टूडेंट मतलब खो देना। ठीक है, एग्रीमेंट में ये वर्ब फॉर्म है, और इस मीन्स होता है उकसाना किसी को, परेशान करना, टू क्रिएट प्रॉब्लम समबड़ी, मतलब किसी के लिए परेशानी करना। और एक्सट्रीबिटेंट होता है मतलब किसी को परेशान न करना। ठीक है, मतलब शांत काम कर देना किसी को। नेक्स्ट आपका एम्प्लाई मीन्स बढ़ाना, कंडेंस मीन्स होता है कम करना। ठीक है, टू डिक्रीज करना। ठीक है, डिसेंडिंग में लगाना, घटते क्रम में। एम्यूज ये आपकी वर्ब फॉर्म होती है, इस मीन्स होता है मन बहलाना। और एनोई मीन्स तो आपने पता पढ़ाई था अभी, एनोई मीन्स क्या होता है, दुश्मनी के लिए बोल सकते हो या बोल सकते हो बुरे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एरोगेंट, ये आपकी एडजेक्टिव होता है, और इस मीन्स होता है अहंकारी। ठीक है, तो हम्बल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, अच्छा व्यक्ति होता है, मतलब जिसको कोई भी कमेंट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है विनर्म, बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है अटेंडेंस, इस ये नाउन फॉर्म होता है, इस मीन्स ध्यान देना। जब आप स्कूल में होंगे तो टीचर बोल जाता था कि मतलब अटेंशन आपकी, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी अटेंशन लगनी है, यानी कि प्रेजेंट लगेगी। तो नेगलेक्ट मीन्स होता है छोड़ देना, मतलब ध्यान न देना। नेक्स्ट एथेस्ट। एथेस्ट ये नाउन फॉर्म होता है, इस मीन्स होता है स्टूडेंट आपका नास्तिक, यानी जो भगवान को नहीं मानते। इसके अपोजिट होता है थीस्ट, मतलब जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। ऐड ये आपकी वर्ब फॉर्म होती है, और ऐड मीन्स होता है स्टूडेंट आपका जोड़ना। सबट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। एडिशन मीन ये नाउन फॉर्म है, इस मीन्स होता है जोड़। ठीक है, ऐड मीन्स जोड़ना होता है, वो वर्ब फॉर्म होती है, एडिशन होता है आपका जोड़, और सबट्रैक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट उसको घटाना। ठीक है, और एप्रोप्रिएट ये उपयुक्त होता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है, और इनप्रोप्रिएट मीन्स होता है अनुपयुक्त। एप्लॉयस ये नाउन फॉर्म होता है, इस मीन्स प्रशंसा होता है, यानी एडमायर करना किसी को, मतलब किसी का बखान करना उसके गुणों के बारे में। ठीक है, तो उसको प्रशंसा बोलते हैं। और कैंश्योर मीन्स होता है स्टूडेंट आपका किसी की मतलब बुराई करना। ठीक है, एनिमल ये नाउन फॉर्म होता है, एनिमल मीन्स होता है स्टूडेंट जानवर, तो ये इसके अपोजिट क्या होता है, ह्यूमन यानी कि मानव होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में यही थे आपके एंटोनियम सिनोनिम्स। अगर आपको एक बार में समझ में, अगर मान लिया आपको मीनिंग याद नहीं होती, तो आप दो बार तीन बार रिवाइज करें वीडियो को, और वीडियो को PDF अगर आपको पाना है तो ग्रुप में, आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको करंट अफेयर और डेली न्यूज़ जो कुछ भी होता है वो आप सबको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, हर तरह के नोट्स, तो आप वहाँ भी मुझको ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.